जैसे बेड़ी से बंधा हुआ अपराधी सजा काल पूर्ण ना होने तक बेड़ी से छूट नहीं सकता, उसी तरह जीव आयु पूर्ण होने बिना शरीर से छूट नहीं सकता। आयुष्य कर्म बंध के हेतु नरक आयु, तीव्र क्रोध मान माया लोभ करने से, किसी के प्रति तीव्र आसक्ति रखने से, पंच इंद्रिय जीवों की हिंसा करने से, मांस का सेवन करने से, तिर्यंश आयु छल कपट करने से, विश्वासघात करने से, असत्य बोलने से, माया वृत्ति रखने से, मनुष्य आयु सरलता विनय आदि गुणों रखने से, सबके लिए शुभ भाव करने से, दूसरों के दुख में सहयोग करने से, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने से, देव आयु संयम की साधना करने से, श्रावक के 12 व्रत को स्वीकार करने से, मजबूरी में कष्ट सहन करने से, आत्म शुद्धि के बिना साधना करने से, आयुष्य कर्म का उदय होता है तब जिस गति में जितने आयु का कर्म बंद किया होता है तब उसी गति में उतने आयु तक जीव रहता है। आयुष्य कर्म का पूर्ण क्षय होने से मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि हमारी गति और आयु श्रेष्ठ हो, ताकि हम अपने कर्मों को क्षय कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप आने वाले सभी वीडियो की जानकारी भी पा सकते हैं।